लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। गरीबों के सिर पर छत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योजना की शुरुआत की थी, धीरे धीरे वो योजना धरातल पर दिखने लगी है। पिछले 9 महीने के अंदर यूपी में 7,71,073 घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार किए गए इन घरों को जल्द लाभार्थियों को सौंप दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ने पिछले दिनों इसका खुद खुलासा किया था। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा चुकी गई है। इन घरों के लिए लाभार्थियों का चुनाव किया जा रहा है और मानकों पर खरा उतरने के बाद ये मकान उन्हें देने शुरू कर दिए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा से की थी। वर्ष 16-17 और 17-18 दोनों वर्षों के समेकित लक्ष्यों के अधीन एक ही साल के अंदर आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश आवास निर्माण में सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से अब प्रथम स्थान पर है। बता दें कि इस योजना के तहत गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को ही फोकस किया जा रहा है। EWS श्रेणी के साथ साथ पूरे देश भर में लाखों की संख्या में मकान तैयार करवाए जा रहे हैं, ताकि 2022 तक हर व्यक्ति के अपने घर का सपना पूरा हो सके। पीएम मोदी ने इस योजना की शुरुआत साल 2016 में की थी, लेकिन पिछले एक साल में इस योजना के तहत काम तेजी से होने लगा है।